वेलकम बैक टू माई चैनल। हेयर इट्स सो विंडी सो माई हेयर बट इट्स नाइस हेयर। सो आई डिड नॉट गेट द चांस टू शूट प्रॉपरली बट आई हैव शॉट सम क्लिप्स, सो लेट मी शो यू गाइज हाउ आई स्पेंड माई वेकेशन। इट्स नाइस आउट हेयर। सो आई डिड नॉट शूट प्रॉपरली लाइक आई यूज टू शूट माई ब्लॉग बिकॉज आई वॉन्टेड टू एन्जॉय। सो But I have shot some clips, mini clips. So let me show you guys how I enjoy my vacation. Here you go, guys. तो गाइस जो मेरा पहला डेस्टिनेशन था वो था उमियम लेक वाला बोट हाउस। शायद कुछ लोगों को पता है कुछ लोगों को पता नहीं है, उमियम लेक में एक छोटा सा बोट हाउस है जो कि बहुत ही प्यारा है। तो मौसम भी देखिए कितना प्यारा हो रहा था, ओह माय गॉड। और यहाँ मैं पहुँच गई बोट हाउस, देखिए इट वॉज़ लुकिंग सो अमेजिंग, कलर थीम कर्टेंस ग्लास सब कुछ। आफ्टर रीचिंग इमीडिएटली आई गॉट सो एक्साइटेड कि मुझे प्लेस को चेकआउट करने निकलना ही था, तो मैं निकल गई प्लेस को चेकआउट करने के लिए। और आप देख सकते हो लेक के बीच में ये हाउस कितना प्यारा लग रहा था, इतना क्यूट लग रहा था, मेरा तो दिल ही आ गया इस घर पे। दिस इज़ द फ्रंट साइड ऑफ द हाउस जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। और अंदर है एक बेड, बैठने के लिए भी जगह दिया हुआ है, किंग साइज बेड है। और अगर आप लोग एक्स्ट्रा लोग हो तो वो लोग एक्स्ट्रा मैट्रेसेस भी प्रोवाइड कर देते हैं। तो शाम हो गई थी, सनसेट का टाइम हो गया था और आप लोग जस्ट क्लिप्स देखिए सनसेट का। तो हो गया नेक्स्ट डे, गुड मॉर्निंग गाइस। और ये बहुत ही प्यारा लग रहा है सनराइज़, मैं जल्दी उठ गई थी एक्चुअली सनराइज़ देखने के लिए। और आप लोग जस्ट व्यू एंजॉय कीजिए, इट वाज सो पीसफुल देयर।
After spending a beautiful day surrounded by the water in this peaceful place, my second day location was in Cherrapunji. अगले दिन मैं निकल गई चेरापुंजी के लिए और वहाँ पे मैंने क्या क्या किया वो आप लोगों को देखने को मिलेगा मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में. सो स्टे ट्यून गाइज. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय बाय.